आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आगरा में सीएम योगी ने खेरिया एयरपोर्ट से निकलते ही एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। तो वहीं मेडिकल कॉलेज को योगी के लिए विशेष रूप से सजाया गया था। यहां योगी आदित्यनाथ ने आकस्मिक सेवाओं को देखा तो साथ ही योगी के आगमन पर ओपीडी भी चलती दिखी। तो हिंदू युवा वाहिनी के लोगों का उन्होंने कार से ही हाथ हिलाकर अभिवादन लिया। इसके बाद सीएम का काफिला ताज कॉरिडोर के निरीक्षण के लिए पहुंचा, जहां उन्होंने सफाई व्यवस्था को देखा। फिर नगरिया गांव में जाकर सीएम ने कैंप व्यवस्था का हाल लिया। यूपी के हाथरस में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए तकादे से लौट रहे व्यापारी को गोली मारकर 5 लाख की लूट को अंजाम दिया, जिसमें कैश के साथ व्यापारी की गाड़ी भी बदमाश लूटकर फरार हो गए। अब जहां घटना के बाद व्यापारियों में रोष है तो पुलिस जांच में जुटी है। गाड़ी के ऊपर फायर किया और उनको रोका और उनकी गाड़ी को लूट कर वो लेके चले गए थे। वहाँ पे जो राहगीर थे उन्होंने जल्द से सूचना दी, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। उन्होंने 100 नंबर पे जल्दी सूचना देने की वजह से चेकिंग जल्दी एक्टिवेट हो सकी और आगे हाईवे पर इन लोगों को गाड़ी छोड़ के भागना पड़ा। चेकिंग के चलते गाड़ी उन्होंने छोड़ के जो उसमें पैसे थे उन चीज़ों को लेकर भागे। आगे हमने रेंज में भी चेकिंग बता दी है, अलीगढ़ में और ज़िलों में भी चेकिंग कर रहे हैं। गाड़ी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और जो अपराधी उनको। बरेली के फतेहगंज पश्चिम में कार और टेम्पो में भिड़ंत हो गई तो 3 लोग घायल हो गए। तो साथ ही इसमें एक की हालत नाजुक है, जिसको खिरका सीएससी में भर्ती कराया गया है। वहीं टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। तो साथ ही पुलिस ने क्रेन से वाहनों को थाने भेजा है। गर्मी का मौसम आते ही जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है तो जल संकट भी लोगों के सामने पैदा हो गया है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में जहाँ पेयजल की किल्लत है तो इसका नज़ारा आप खुद ही देख लीजिए। विकास की बाढ़ जो रहे यहाँ के गांव आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। तो राजनीतिक उपेक्षा के चलते यहाँ मैच 20% ही काम हो पाया है। तो जलापूर्ति के लिए लगाए गए यहाँ सरकारी नल भी वाटर लेवल के चलते बेकार हो गए हैं। ऐसे में डीएम साहब धनराशि शासन से स्वीकृत कराकर जल्दी निराकरण की बात को कहते हैं। पानी लेकर वाटर लेवल इसमें बहुत नीचे चला गया है। इसमें खेतों में भी जो है ट्यूबवेल भी साथ नहीं दे रहे हैं, हैंडपम्प भी साथ नहीं दे रहे हैं, नहर भी साथ नहीं दे रही है। जानवरों की इल्लत है और नल में भी परेशानियां हैं, खेतों में भी परेशानियां हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं। गर्मी का बहुत ही चरम पे गर्मी का सीज़न चल रहा है और यहाँ पे हमारे ज़िले में कुल मिला के जो तालाब हैं या जो हैंडपम्प हैं, तालाबों को भरने के लिए और हैंडपम्प्स को ठीक कराने के लिए एक अभियान हम लोग चला रहे हैं और इसमें नहर विभाग को, जो नलकूप विभाग है और जो हमारे ब्लॉक्स हैं, इनके अधिकारियों को ये दायित्व सौंपा गया था। श्रावस्ती के गोना में लेबुडोबा प्राथमिक विद्यालय में पानी की तलाश में पहुंचे एक हिरण पर कुत्तों ने हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया, जिसमें थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने उसके शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीएम योगी के आदेशों का असर अभी डॉक्टरों पर नहीं होता दिख रहा है। यहाँ श्रावस्ती के ग्लोला में वाहन चेकिंग के दौरान सिपाही को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें मौजूदा पुलिसकर्मियों ने घायल सिपाही को सीएससी ग्लोला पहुंचाया, जहाँ घायल सिपाही का अस्पताल सफाई कर्मी ने ही शुरू कर दिया। तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पर यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है। पीलीभीत के बीसलपुर में घर में घुसकर दबंगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया तो विवाहिता ने शोर मचाया तो परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। बिलझंडा पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, जेल भेजा जाएगा। सीतापुर से हरदोई गोद भराई करके वापस लौट रहे बोलेरो कार सवार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई तो 6 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं 3 की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।